हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद ऑनलाइन क्लासेस। आई एम एएन वर्मा, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 11, द फूलिश टॉर्टोइज पार्ट सेकेंड रिवीजन। प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को एक कछुए और दो हंस के कहानी के बारे में बताया कि एक समय ऐसा सूखा पड़ा कि झील, नदियाँ, तालाब आदि सूखने लगे और बगल के झील में दो हंस और एक कछुआ मित्र थे, एक साथ रहते थे और तालाब को सूख जाने के कारण उन्हें बहुत चिंता सताने लगी। और कछुए ने कहा कि प्रिय मित्र, अगर तालाब सूख जाएगा तो मैं कैसे जीवित रहूँगा, ऐसा उपाय सोचें कि मुझे इस तालाब से ले जाके समुद्र में या फिर किसी अन्य नदी तालाब में डाल दें ताकि मैं जीवित रह सकूं। दोनों हंसों ने फैसला किया, ठीक है। उन्होंने बहुत सोच विचार के दो हंसों में से एक हंस ने दूर जा के देखा, एक तालाब मिला जिसमें पानी भरा हुआ था और वो वापस आए और उन्होंने कहा एक छड़ी भी लेके आएं। और उन्होंने कहा कि हम दोनों इस छड़ी को पकड़ लेंगे और आप जो है इस छड़ी के बीचों बीच पकड़ लें ताकि मैं आपको इस तालाब से दूसरे तालाब तक ले जा सकूं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉमिस करिएगा कि आप मुंह नहीं खोलेंगे। अगर आपने मुंह खोल दिया तो यू विल फॉल डाउन एंड डाई, आप गिर जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन उसके बदले में क्या कहा, देखिए कछुए ने क्या कहा। कछुओं ने कहा द टॉर्टोइज प्रॉमिस्ड टू कीप क्वाइट थ्रू आउट हिज जर्नी, यानी कि कछुए ने अपनी यात्रा के दौरान चुप रहने का वादा किया। द स्वैन्स फाउंड द लेक एंड कम बैक टू द टॉर्टोइज, यानी कि जो हंस जो है कहाँ गया था, झील को देखने गया था और हंस ने झील को पाया और छड़ी के साथ कछुए के पास वापस आया। द स्टिक एंड छड़ी सो दैट वी कैन गो, अब लेके आया और क्या क्या, नाउ यू कैच, वे दोनों एक साथ बोले। दे सेड, दोनों हंसों ने एक साथ कहा नाउ यू कैच होल्ड ऑफ दिस स्टिक सो दैट वी कैन गो, यानी कि दोनों हंसों ने कहा, उन्होंने कहा अब आप इस छड़ी को पकड़ें ताकि हम जा सकें। कैरी द टॉर्टोइज द स्वैन्स फ्लू अवे टू ए न्यू प्लेस, और कछुओं के ले जाने पर हंसों ने एक नई जगह पर उड़ गए, यानी कि नई जगह पर तलाश में थे ही और कछुए को लेके नई जगह पर उड़ गए। दे ट्रैवल्ड ओवर हिल्स एंड वैलीज, यानी कि उन्होंने पहाड़ियों और घाटियों की यात्रा की, यानी उसी तरह पहाड़े पर पहाड़ पड़े, घाटियाँ पड़ी, उसी तरह उड़ते गए। एंड सून वन ऑफ द स्वैन्स टोल्ड द अदर स्वैन, और जल्द ही एक हंस ने दूसरे हंस को बताया, क्या बताया, दैट वी आर एंटरिंग ए टाउन, यानी कि हम शहर में प्रवेश कर रहे हैं, विच इज़ एट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम
हियर, यानी कि हम शहर में प्रवेश कर रहे हैं जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हियर। एस दे फ्लू ओवर द टाउन, यानी कि उन्हें जब शहर के ऊपर से उड़ने लगे, पीपल लोग ऑन द रोड्स, यानी कि सड़कों पर आ गए और क्या किया, स्वे यानी देखे, देम एंड बिगेन टू एक्सक्लैम, यानी कि जब उन्हें सड़क पर मौजूद लोगों को उन्होंने देखा तो वह बहस करने लगे। कौन लोगों ने बहस करने लगे, ऊपर उन क्या करने लगे, बहस, लुक अबाउट एट दोस क्लेवर बर्ड्स, यानी कि ऊपर उन चालाक पक्षियों को देखो, दे आर कैरिंग समथिंग, यानी ऊपर उन चालाक पक्षियों को देखो, वे कुछ ले जा रहे हैं। कौन कहा, यानी सड़क पर जुटी भीड़ में से किसी ने कहा। इट्स ए टॉर्टोइज, यानी कि शोर होने लगा और लोग देखें और कहें यह एक कछुआ है। सून ए क्राउड गैदर्ड बिलो देम एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द स्वैन्स एंड द टॉर्टोइज। यह एक कछुआ है, भीड़ में से किसी ने कहा कि यह तो एक कछुआ है। भीड़ उनके नीचे जमा हो गई और हर कोई हंस और कछुए के बारे में बातें कर रहे थे, यानी टॉकिंग अबाउट द स्वैन्स एंड द टॉर्टोइज, हंस की बहादुरी और कछुओं को किस प्रकार ले जा रहे हैं, उन्हीं सब के बारे में बातें करने लगे। द टॉर्टोइज व्हेन हियर्ड द नॉइस, यानी कि जब कछुए ने ये आवाज़ सुनी, कमिंग फ्रॉम डाउन बिलो, यानी कि नीचे से जो आवाज़ आ रही थी कछुए ने सुना, ही वाज सरप्राइज, यानी कि नीचे से आने वाले शोर को सुनकर कछुआ हैरान रह गया। फॉरगेटिंग दैट ही डस नॉट हैज टू स्पीक, उसे बोलना नहीं था, ही सेड, लेकिन उसने बोल दिया, व्हाट इज ऑल दैट एक्साइटमेंट अबाउट, यानी कि कहा कि सबके बारे में उत्साह क्या है, यानी कि नीचे लोग जो देख रहे थे उत्साह मना रहे थे, बस कछुए ने अपना मुंह खोल के बोला, अरे नीचे सबसे उत्साह क्या हो रहा है, मी, मैं, हो, यानी कि मैं, ओ, द पुअर फेलो फॉरगॉट टू कीप शट एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डाइड, यानी कि हंस जो मिना जो बेचारे परिश्रम किए वो सब उनका व्यर्थ होगा हो गया। और कछुए ने नीचे देख के बोला, क्यों, कितना उत्साह क्या है, मैं, और बेचारा साथी जिससे वह बंद रखना भूल गया, यानी कि अपना मुंह बंद रखना भूल गया और जमीन पर गिरकर बेचारा मर गया। इसलिए कहा गया है ए फूलिश टॉर्टोइस, यानी कि मूर्ख कछुआ। अगर आपको कोई कार्य कहा जाए कि ये काम मत करिए और उसे आप ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो उसकी खामियां आपको भुगतना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा लेसन 11 द फूलिश टॉर्टोइस पार्ट 2। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।